यार मैं मार्केट में बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करूं? जो मैंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड मेरा सही से चलेगा भी या नहीं चलेगा? हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब क्या होता है? जो चार्ट पैटर्न लोग कहते हैं वो चार्ट पैटर्न सच में काम करते भी या नहीं करते? चलिए आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे हम चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड किया जाता है, और ये चार्ट पैटर्न्स कितने इफेक्टिव है या नहीं है। हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके खूबियां और खामियां क्या है, यानी प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक्स। तो ये जो पिछले वीडियोज में हम लोग ने जो डिस्कस किया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, ये सभी का फॉर्मेशन मिला के ही होता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, अभी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस लाइन को मैं मान लेता हूँ ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर से ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि मान लो एक ऐसी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी हम सभी को पता है कि प्राइस एक एक डायरेक्शन में ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट, तो ऐसे प्राइस हमेशा मूव करता है। तो इसमें ये जो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे, नीचे वाले पोर्शन को हम लोग सपोर्ट कहेंगे, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसमें अभी दो ही चीज हो सकती है, या तो प्राइस ऊपर इसको ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को और ऊपर की तरफ जाएगा, या तो प्राइस नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो इसीलिए ना गाइस, हम लोग ने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है, या जो ट्रेंड लाइन है, या इनफैक्ट कैंडल स्टिक भी है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, उसके ब्रेक होने के बाद ही हमें काम करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने कैंडल स्टिक वाले वीडियो में डिस्कस किया था ना गाइस कि दुनिया भर की बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, वैसे ही चार्ट में भी ना तरह तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं। डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, कप एंड हैंडल, फ्लैग एंड पोल, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, बहुत सारे आपको पैटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग इसके अंदर दो से तीन पैटर्न्स की ही बात करेंगे, जो हमें यूजुअली मार्केट में अच्छे से मिल भी जाते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं, और आपको ये इंट्राडे ट्रेडर या अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हो तो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है और आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं डबल टॉप पैटर्न से, और उसके बाद हम लोग डबल बॉटम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर से पुल बैक लिया, वापिस प्राइस इस पॉइंट पे ना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट जो प्राइस है इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके और इधर से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड एंट्री करके यहाँ पर जो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग रहेगा वहां पर हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो साइडवेज रहेगा, तो हमें कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें पता है कि हम बुलिश ट्रेड लेंगे, बट अगर इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट और यहाँ से ऐसे नीचे आ गया तो हमें तो लॉस हो जाएगा। हम लोगों ने अगर यहाँ पर से अगर बुलिश ट्रेड लिया होता, इसीलिए हमेशा हमें ब्रेक के सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक पर ही काम करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो इधर आप देख सकते हो ये मार्केट पहले ऊपर गया, जो बुल्स थे, जो बायर्स थे, वो लोग ने प्राइस को इतने अच्छे तरीके से ऊपर लाया, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, प्राइस नीचे गया, फिर वापिस बायर्स ने इतना ताकत लगा कि इस पॉइंट पर वापिस लेके गए, बट यहाँ पर ना सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट हो गए या बेयर्स ज्यादा डोमिनेंट हो गए और लोगों ने प्राइस को नीचे लेके आ गए। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जब प्राइस इतना ऊपर गया उसके बाद इधर से इसने पुल बैक लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन हो गया था या सपोर्ट लेवल हो गया था इधर। ठीक है, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करता है जब एक पुल बैक आता है। तो अभी अगर बुल्स को यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर लेके जाना था तो प्राइस यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, या तो फिर कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए था। बट अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया है ना, तो इसका मतलब अभी बुल्स डोमिनेंट नहीं है मार्केट में, अभी बेयर्स का दबदबा है। ठीक है, अभी सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इससे हमें एक यहाँ पर ट्रेड लेके हम मतलब यहाँ पर एंट्री लेके हम लोग एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा। अभी क्यों इतना बड़ा मूव आता है? ठीक है, तो जैसे बायर्स और सेलर्स होते हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी
किसी सेलर ने यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाई होगी, किसी सेलर ने यहाँ पर बनाई होगी, जो बुल्स होंगे उन्होंने भी अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई होगी, जिन लोग ने ये बड़ा मूव कैप्चर नहीं किया होगा वो लोग तो कहीं ना कहीं पुल बैक का वेट करोगे, जैसे हम लोग भी जब वेट करते हैं कि एक रिटेस्ट लेगा मार्केट तो हम लोग एंट्री करेंगे, तो वैसे ही किसी ने यहाँ पर बुल्स ने पोजिशन बनाई होगी, बायर्स ने पोजिशन बनाई होगी, तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल पे होगा जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, इस लेवल पे होगा। तो जैसे ही ये ब्रेक करता है ना, तो और बायर्स तो इस मार्केट में घुसते ही, सॉरी, और सेलर्स तो मार्केट में घुसते ही घुसते हैं, बट जिन किसी का इधर स्टॉप लॉस होता है वो भी हिट करता है, और इसलिए सेलिंग पोजीशन ज्यादा बढ़ जाती है और मार्केट और तेजी से नीचे गिरता है। तो ये होता है डबल टॉप पैटर्न, जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही होता है डबल बॉटम पैटर्न। अभी इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बुलिश पैटर्न में यानी डबल बॉटम पैटर्न में उसका उल्टा होगा, जैसे मार्केट नीचे आए ऊपर गई और वापस इसने ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। इसका सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने वो डबल टॉप में पढ़ा, वो ही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लागू होता है और ये उसी तरीके से काम करता है, बस वो बेरिश था ये बुलिश है। ठीक है, तो ऐसे, और इसे हम लोग, कुछ लोग इसको एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे ना एम डब्ल्यू, ये वैसे ही कुछ दिखता है, इसलिए हम लोग इसको एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न भी कुछ लोग कहते हैं, बट इसका ट्रेडिंग में जिसे हम लोग डबल टॉप और डबल बॉटम कहते हैं। इसका एक और एक एग्जाम्पल होता है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ठीक है, तो ये यूजुअली सेम ही होता है, अगर इसका देखा जाए इसका कॉन्सेप्ट भी सेम ही होता है। तो ये जैसे मार्केट ऊपर गया, मार्केट वापस पुल बैक लिया, इधर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया, और डबल बॉटम में कैसा होता है मार्केट इधर से ही नीचे आएगा, बट अभी इधर से नीचे आने की जगह मार्केट वापस एक टॉप बनाता है और फिर नीचे आता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं वही फंडा है गाइस, कि ये जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट सपोर्ट और वो ब्रेक हुआ है, तो मतलब इधर सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसीलिए गाइस जो हमारे पिछले वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, उस वीडियो को आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो कितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उतने अच्छी तरीके से ये चार्ट पैटर्न्स काम करेंगे। डेफिनेटली उन वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे ट्रेंड लाइन हो गया, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक्स हो गया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी हमने जो डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, उसकी भी लिंक डाल दूंगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न की, जो कि होता है हमारा हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो पहले हम लोग बेरिश पैटर्न की बात करेंगे, जो हेड एंड शोल्डर होता है। तो मार्केट इधर से ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट वापस नीचे आ गया और फिर इधर से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका एक शोल्डर हो गया, यानी आपका एक कंधा हो गया, इधर से फिर ये आपका जो हेड है वो हो गया, और इधर का ये राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, तो एक बॉडी जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम में हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फंडा काम है ना, वैसे ही इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ना गाइस, इसके अंदर हमारा ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ गया है। अगर आपने ये पैटर्न ध्यान से देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस एक अच्छी डायरेक्शन में ऊपर आया, एक पुल बैक लिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है मार्केट लेगा, फिर उसके बाद इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन सी बन गई है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने ऑब्वियसली इसके नीचे भी प्राइस ऊपर ही आता होगा, ये ऑब्वियसली एक आधा पैटर्न है, बट जब आप इसको चार्ट पर देखोगे तब उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, मैं आपको डेफिनेटली इसको चार्ट्स में भी बताऊंगा। तो आपने देखा इधर एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है और उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसने जब ये मार्केट नीचे आया तो इसने ये जो रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट बन गया, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी ये देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया, तो उसने अपना सपोर्ट तो ब्रेक किया ही किया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया। ठीक है, और इस पैटर्न में ना हमें कन्फर्मेशन कब आता है पता है, जब ये पुल बैक लेके और नीचे जाता है। तो जैसे अभी ये हायर हाई का ट्रेंड बन रहा था, अब ये होगा इधर लोअर हाई का,
अगर आप जैसे इसको देखोगे, मैं ट्रेंड लाइन को ही मूव कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे इधर ये लोअर हाई का भी फॉर्मेशन बिल्ड कर रहा है और इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये हेड एंड शोल्डर भी समझा होगा आई बिलीव, अगर नहीं समझा होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को और रिवाइंड करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी जो हमारा बुलिश पैटर्न होता है, जो पहले हम लोग डिस्कस किया हेड एंड शोल्डर वो बेरिश पैटर्न था, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके फिर जब उसका इवेंचुअल मूव आया वो नीचे की तरफ आया। अभी ये जो बुलिश पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आके वापिस ऊपर जाके और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। इसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद उसने एक ट्रेंड लाइन चेंज किया, एक अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, क्योंकि ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक होकर एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो इधर से मार्केट को रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चाहिए था अगर बेयर्स एक्टिवेट रहते या सेलर्स एक्टिवेट रहते तो। लेकिन यहाँ पर बुल्स ने वो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया ही किया, साथ में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक किया पुल बैक के बाद और मार्केट को ऊपर लेके गया। तो ये इससे हमें ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बुलिश ट्रेड लेंगे। अभी गाइज हम लोग को कितने लोगों को ये तो समझ में आ जाता है, हम लोग ये आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स मतलब कैसे काम करते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न्स को हम लोग इजिली हम लोग स्पॉट तो कर लेते हैं चार्ट पे, लेकिन हम लोग इस पे ट्रेड नहीं कर पाते। तो हम लोग इस चार्ट पैटर्न्स को हम लोग ट्रेड कैसे करें, एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें हम लोग चार्ट पैटर्न्स पे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग दोनों पैटर्न डिस्कस करेंगे और मैं इसका आपको डबल टॉप बता देता हूँ, तो आप डबल बॉटम पे आप खुद ही प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना गाइज, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, जैसे मैंने आपको इधर पहले कहा था कि मार्केट के पास अभी दो ही ऑप्शन है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी हमेशा से ये डिस्कस किया कि हमेशा हम लोग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस के कैंडल के क्लोजिंग पर ही काम करेंगे, ब्रेक पर ही काम करेंगे। सिमिलरली ना गाइस, हम लोग चार्ट पैटर्न में भी ब्रेक पर या क्लोजिंग पर ही काम करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जो मार्केट में 5 साल 10 साल 20 साल से है, वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बट एज अ बिगिनर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका लॉस जितना कम होगा उतना अच्छा है। प्रॉफिट भले से आपका कम या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मार्केट में पहले एक्सपीरियंस आएगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे, और आपको ट्रेड लेने से पहले आप कॉन्फिडेंट, आप खुद भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी आप यू नो और अच्छे से मार्केट में सस्टेन कर पाओगे बड़े लंबे टाइम से। ठीक है, तो अभी जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ ना गाइस, तो हमें ट्रेड लेना है ये जो नेकलाइन है, ये जो इसने ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है ना इसको ब्रेक किया, तब हमें यहाँ से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर से ये जो बड़ा मूव है ये आ सकता है, और हमें स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो सकता है, वो मैं जब आपको चार्ट पे बताऊंगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आइडियल सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होना चाहिए और ये आपको इतना अच्छा मूव मिल सकता है। तो हमेशा नेकलाइन के ब्रेक पर ही काम करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हेड एंड शोल्डर की, तो जो मैंने आपको अभी डबल टॉप में बताया वही आप इसका उल्टा कर दोगे तो डबल बॉटम में हो जाएगा। तो जैसे डबल टॉप में सपोर्ट ब्रेक होने पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, वैसे डबल बॉटम में रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें हेड एंड शोल्डर की, तो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को जैसा होगा, तो अभी आई गेस आप में से कई लोगों को यह समझ में आ गया कि हम लोग इसमें भी नेकलाइन ब्रेक होने पर ही काम करेंगे। ये जो नेकलाइन है, जो जैसे हमारी गर्दन होती है, तो ये गर्दन की लाइन है, ये हमारे शोल्डर हो गए, तो हम लोग यहाँ पर ही ब्रेक होने पर काम करेंगे। अब आपको डबल टॉप तो समझ में आ गया रहेगा कि चलो ये इधर से ब्रेक हुआ, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाया और नीचे गिर गया, तो इसके लिए क्योंकि प्राइस इधर एक बार भी ऊपर नहीं गया, तो इसके लिए हम लोग को इधर तो बहुत लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि भाई सेलर्स डोमिनेंट है या बुल्स एटलीस्ट डोमिनेंट है, इसके लिए हम लोग ने नेकलाइन के ब्रेक होने पर काम किया। यहाँ पर हम लोग क्यों नेकलाइन के ब्रेक पर काम करें, यहाँ पर हम लोग ये जो रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया, ये इसी ब्रेक पर काम क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस इसके अंदर हमें हम लोग को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग को स्टॉप लॉस भी छोटा मिलता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ट्रेड यहाँ पर लिया और यहाँ पर एक पुल बैक लेके अगर मार्केट वापस ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो इतना बड़ा लॉस आप लेने के लिए रेडी हो?
मैं तो रेडी नहीं हूँ गाइस, अगर आप रेडी हो तो आप डेफिनेटली ट्रेड में आने कर सकते हो और एक ज्यादा रिस्क ले सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा हमेशा है ना चार्ट पैटर्न्स को कंप्लीट होने देना, उसके बाद ही आप लोग काम करना, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। तो उसके बाद जब ये प्राइस इधर आता है, इधर से सपोर्ट लेता है, इधर से रेजिस्टेंस लेके, आपको ये पता है कि मार्केट ने इधर से रेजिस्टेंस लिया है, तो एटलीस्ट अभी बुल्स ज्यादा डोमिनेट नहीं है। और उसके बाद जब ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको इस पे डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई बुल्स ने मार्केट को इतना ऊपर तो लेके गए, बायर्स ने इतना ऊपर तो लेके गए, उसके बाद सेलर्स ने वापस इसको नीचे लेके आए, बुल्स ने कोशिश तो की लेकिन रेजिस्टेंस लेके वापस सेलर्स उसको नीचे लेके गए, तो इसके ऊपर आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी आपको मिलता है। अगर आप इधर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी है, तो इससे आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलते हैं, इसलिए आप इधर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। और एक बात, अगर आप ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस होता है, इतना छोटा स्टॉप लॉस होता है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, ऑलमोस्ट उसका डबल, तो इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है। हम लोग और एक पैटर्न की बात करेंगे। गाइस अगर तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आने वाले टाइम पर बताइए कि मुझे मुझे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, मैं उस वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। और चैनल को सॉरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि शायद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होगे अभी तक मार्केट में, बट शायद आपको कोई फ्रेंड होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा जिसको ट्रेडिंग सीखना हो, या वो शायद अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बना हो, तो आप उनके साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स, ये जो वीडियोज है ये शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, तो अभी हम लोग बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ना, इसके अंदर तो दो प्रॉब्लम है गाइस। पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये ट्रेड हम इस ट्रायंगल पैटर्न में कैसे करें, और दूसरा कितने लोगों को है ना ये समझ में नहीं आता कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोगों को ना डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल, कप एंड हैंडल, ये सारे पैटर्न के ना नाम पता होने चाहिए तो हम कूल लिखते हैं। बट गाइज मेरा सजेशन ये है कि नाम याद मत रखो इसका, बस ये कितना इफेक्टिव है, ये काम कैसे करता है ना, वो याद रखो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। नाम तो आप कभी भी याद कर लोगे, ठीक है, तो नाम याद करना मेरे हिसाब में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी जो ये ट्रेंड लाइन है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अभी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैंने पहले जब वीडियो के स्टार्ट में बताया था, तो प्राइस इसको ब्रेक करेगा या तो इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपका जो नाम वाला जो टेंशन है, जो नाम वाला जो आपको समस्या है, वो मैं दूर करता हूँ। तो जिस तरफ ना आपका जो बेस हो गया, यानी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा बेस है, ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग का मतलब क्या है गाइस, कम से ज्यादा, ठीक है। तो प्राइस पहले यहाँ पर कम था, जैसे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे 17,545 का प्राइस था, फिर बढ़ा, फिर नीचे, फिर बढ़ा, अभी प्राइस जो चल रहा है, जो हमारा एंड पॉइंट है 17,612, तो ऑब्वियसली 17,500 से ऊपर ये 17,006, तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो है असेंडिंग ट्राइंगल, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो वो है डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल एक बुलिश पैटर्न होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल एक बेरिश पैटर्न होता है। मैं आपको डिसेंडिंग ट्राइंगल भी यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, तो प्राइस कैसा होगा, प्राइस यहाँ पर ऊपर आएगा, इस ट्रेंड लाइन के सारे रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ पर नीचे ब्रेक करेगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी अभी हमें ये कैसे पता कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये तो हो सकता है ना कि प्राइस नीचे भी आ जाए, तो इसीलिए ना गाइज अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको हम लोग ने डबल टॉप डबल बॉटम जो डिस्कस किया था ना उससे आपको रिलेट होगा। तो ये जब प्राइस ऊपर जा रहा है, इधर से इसने सपोर्ट लिया, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और ये ट्रेंड लाइन तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर ही रही है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इसने इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मान लो अगर इसको प्राइस ब्रेक नहीं करता और नीचे आ जाता है, तो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होगी होगी, जो ट्रेंड लाइन के सारे जितना बड़ा सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, चार बार जैसे रेजिस्टेंस लिया वैसे ही 3 से 4 बार इसने ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही तो है ही। ऊपर से जो प्रीवियस स्विंग था, जो प्रीवियस लो था, उसको भी ब्रेक किया, तो
तो अगर ये ऊपर ब्रेक होगा, जैसे अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक होगा, हम लोग यहाँ बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर मान लो कि अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है, तो आप देख सकते हो इधर ये कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न बना है, तो ये बेरिश ट्रेड हो गया। तो हमें कहीं ये इस तरीके से देखना है, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लोजिंग पे ही काम करना है। स्पेसिफिकली अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप इनकी क्लोजिंग पर ही काम करना, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको एक और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो असेंडिंग ट्राइंगल है ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन अगर ये बुलिश पैटर्न नहीं चलेगा तो डबल टॉप हो जाएगा, ठीक है। वो डबल टॉप पैटर्न क्या है, ये बेरिश पैटर्न है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो ट्रेडिंग में ना कैसा होता है ना गाइस, कि अगर बायर्स डोमिनेंट है, यानी अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई है, तो डेफिनेटली किसी ने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी। तो बायर्स को जीतने के लिए ना सेलर्स को हारना पड़ता है, या अगर सेलर्स को जीतना है तो बायर्स को हारना पड़ता है। तो वैसे ही ना, अगर इधर ये असेंडिंग ट्राइंगल फेल होता है, यानी कौन फेल हो गया, बायर्स फेल हो गए, जिन्होंने मार्केट इतना ऊपर लेके आया वो लोग फेल हो गए, और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो इसके लिए सेलिंग मूव अच्छा आ सकता है। बट अगर इधर ये ब्रेक होता है, जो रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पर जो सेलर्स जो इतने टाइम से इस मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता ना, वो लोग हार गए, उधर से बुल्स एक्टिवेट हो गए और ये बुल्स ने मार्केट को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब के सहारे ही आपको ट्रेड करना है। आप इतना आप अगर कर लोगे ना, ये आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो प्राइस पहले ज्यादा था, 17,700 था, अगर जो हमारा एंड पॉइंट है, अगर आप देखोगे 17,600 है, ऑब्वियसली 100 पॉइंट कम हुआ है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग इसको असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं, जब प्राइस नीचे की तरफ आके ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, हम लोग इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें भी आप गाइस अगर देखोगे, नीचे का अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होने की जगह अगर मार्केट इधर से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया, तो ये कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न के जैसा काम करेगा, करेक्ट। तो आई होप आपको ये जो तीनों पैटर्न मैंने जो बताया ये आपको समझ में आए होंगे। डेफिनेटली मैं आपको अभी इसको चार्ट पे भी बता दूं कि हम लोग इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हम लोग इसको स्पॉट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज मैं आपको एक और चीज कहूंगा कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न है ना, ये हमेशा सॉरी जो डबल टॉप डबल बॉटम जो पैटर्न है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंपॉर्टेंट प्राइस पर ही आप ट्रेड करना, तो ये आपको ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एग्जाम्पल्स निकाल के रखे, मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि कितना बड़ा मूव आया मार्केट में, अभी जस्ट ये पिछले हफ्ते की बात है। तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर एक अच्छा मूव किया, यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और वापस रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ पर गिर गया। तो मैंने जैसे आपको कहा था कुछ देर पहले कि हम लोग नेक लाइन के ब्रेक होने पर ही काम करेंगे, तो ये थी हमारी नेक लाइन, यहाँ पर ब्रेक होके मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये भी कहा था कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, एज ए बिगिनर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। बट जैसे अगर आपको और इसको आपका जो लॉस है अगर आपको और कम करना है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो हम लोग ने ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाली जो स्ट्रेटेजी हम लोग ने जो देखी थी, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इधर मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया ही किया है। जैसे मैंने कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, तो देखो ये जो सपोर्ट ब्रेक तो हुआ हुआ है, मार्केट ने इधर एक रिटेस्ट भी लिया है और उसके बाद मार्केट और नीचे गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखता होगा, यानी कि 1 रुपए लॉस के ऊपर आपको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले जब मेरा यहाँ पर था जो स्टॉप लॉस, वहां पर आपका 1 रुपए लॉस पर 2 रुपए प्रॉफिट होता, तो ये आपको और ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अभी आप ये भी कहोगे कि ये जो है ये भी तो मार्केट इतना ऊपर इतना नीचे आया, इधर गया, फिर इतना ऊपर आया, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर भी डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं लिया गाइस, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो नेकलाइन है ये ब्रेक हुई क्या गाइस, नहीं हुई, ये ब्रेक पर ही हम लोग को ट्रेड लेना है। नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई इसलिए हम लोग ने ट्रेड लिया, साथ ही साथ आप देख सकते हो कैंडल कितनी बड़ी थी, तो मतलब यहाँ पर सेलर्स ने
मार्केट को नीचे तो लेके ही लेके आया, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल से लेके आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम्स सेलर के पास बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को नेकलाइन के ब्रेक पर ही ट्रेड लेना है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इसके, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स निकाल कर रखे ताकि ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके अंदर। देखिए, अगर आप देखोगे इधर ही हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, अभी ये देख सकते हो आप, इधर मार्केट ने एक हेड एक शोल्डर बनाया, इधर एक हेड बनाया, इधर एक शोल्डर बनाया, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो सेकंड जो राइट शोल्डर है वहां पर मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, ये जो नेकलाइन है ये कहीं ना कहीं हमारी नेकलाइन थी, ये ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो मुझे कहीं ना कहीं इतना अच्छा बड़ा मूव कैप्चर होने आता और मिलता। तो अगेन आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.28, यानी 1 रुपये लॉस के ऊपर आप 2 रुपये 25 पैसे आप कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, ये ड्राइंग हटा देता हूँ, तो आपको चार्ट पे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखते कैसे। देखिए, मार्केट पहले इधर नीचे आया, ड्रॉ करके समझा देता हूँ, मार्केट पहले इधर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया और यहाँ पर से ब्रेक किया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, सॉरी गाइस, ये हेड एंड शोल्डर नहीं था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। तो ऐसे आपको ये भी पता चला कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स निकाल के रखे थे, ठीक है, ये शायद से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर था। अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी ये वाला जो है ये हेड एंड शोल्डर है। अगर आप इसमें भी देखोगे तो मार्केट ने ये जो हमारी नेकलाइन है इसके ब्रेक होते साथ ही काम किया, ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गया, रिटेस्ट लिया, उसके बाद नीचे आया, तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर होना चाहिए था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सॉरी ये वाला जो है ये बुलिश वाला मेजरमेंट था, शॉर्ट पोजिशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ यहाँ कहीं पर ट्रेड लेता, यहाँ कहीं पर अगर मैं ट्रेड लेता तो मुझे ये इतना अच्छा मूव देता। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम लोग को कितना प्रॉफिट हो सकता था और कितना लॉस हम लोग कितना कम कर सकते थे। तो अगर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमारे इसमें भी 1:2.8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब 1 रुपये लॉस के ऊपर आप ऑलमोस्ट 3 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। और ये तो निफ्टी में एग्जाम्पल था, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बैंक निफ्टी में भी निकाले हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड चार्ट को अच्छे से लेते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो इधर जो है ये डबल टॉप पैटर्न कितने अच्छे तरीके से काम किया हम लोग ने यहाँ पर। अगर आप देखोगे इसको, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पर भी एक पुल बैक लिया है छोटा सा, और प्राइस ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके और नीचे गिरा है। तो अगर आप जो मेन जो डबल टॉप का जो रेजिस्टेंस था अगर आप उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस सकते हैं तो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5 का है। लेकिन अगर मैं इसको और नीचे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि जो लास्ट स्विंग था यहाँ पर था, तो ये देखिए आप इमेजिन कर सकते हो गाइस, 11.58, 1 रुपए के लॉस पर हम लोग 11.58 का प्रॉफिट ले रहे हैं। और इसमें तो मैंने जो पूरा जो इतना जो डाउन साइड मूव है ना वो तो मैंने पूरा कैप्चर करने का ट्राई तो देखा भी नहीं, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो नीचे टाइम 3:05 हो चुके थे। तो यूजुअली जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि डे एंड तक ट्रेड नहीं करना है, जितना आप मूव कैप्चर कर सकते हो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेंड में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा अगर 3:15 तक जब मार्केट क्लोज हो रहा है, 3:30 अगर मैं तब तक मूव कैप्चर करता तो मुझे और ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ कहीं पर है इसकी कैंडल, तो इधर आप देख सकते हो 13.65, यानी 1 रुपए के लॉस पे मुझे 13.65 का प्रॉफिट होगा। अभी हम लोग डबल टॉप की बात करते हैं, सॉरी डबल बॉटम की, तो डबल टॉप हो गया। ये देखिए डबल टॉप भी कितने अच्छे तरीके से काम किया, और हम लोग को जो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर भी रख सकते थे ये जो रेड कैंडल के नीचे, बट अगर हम लोग इसके नीचे भी रखते हैं जो हमारे सपोर्ट के नीचे भी रखते हैं तो भी आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा और लॉस कितना होगा। 2:1, यानी एक 1 रुपए के लॉस पे आप 2 रुपए कमा सकते हो। तो इससे आपको ये पता चलता है कि डेफिनेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सहारे हम लोग चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसके ना प्रो एंड कॉन्स, यानी खूबियां और इसकी खामियां बताता हूँ मैं। तो कैसा होता है ना गाइज,
पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सहारे ही हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के सहारे इसको ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद में ही एक लेवल्स की तरह काम करता है, बट चार्ट पैटर्न्स में ना दो तीन कंफर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा ये तो होगी इसकी खामियां, ठीक है। दूसरा कैसा होता है, जैसे जो डबल टॉप पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न ये इस तरीके से है, ये तो है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, ठीक है। बट हमेशा आपको मार्केट में टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं दिखेंगे, कितनी बार है ना उसके थोड़े से अलग वेरियंट्स दिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न है, ये भी कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न है। अगर आप देखोगे ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, जैसे अगर मैं इधर अपना कर्सर रखता हूँ, देखिए जो उसका जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग, ये इस वाले स्विंग से थोड़ा सा ऊपर है, और ये वाला जो स्विंग है इसका, ये इससे थोड़ा सा नीचे है, तो ये भी डबल टॉप पैटर्न और डबल टॉप की तरह ही काम करेगा। तो इसीलिए ना हमेशा हमें इसमें टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, तो कितनी बार हमें ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसलिए ही मैं गाइज आपको हमेशा कहता हूँ कि चार्ट्स पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये उतना आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना आप चार्ट्स को देखोगे उतना आपको समझ में आएगा कि चार्ट पैटर्न्स कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इसी का सेम एग्जांपल मैं आपको अभी हेड एंड शोल्डर वाले में बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब निफ्टी का आपको हेड एंड शोल्डर बताया था तब आई होप आप लोग ने ये देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं डेफिनेटली आपको अभी बताता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर डिस्कस किया था, जब हेड एंड शोल्डर हम लोग ने डिस्कस किया था ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट एकदम सेम लेवल पर है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, तो ये ब्रेक ऑन हमने काम किया। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये ऑलरेडी थोड़ा ऊपर है, बट इसका जो सपोर्ट है ये भी देखो एक थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो कितनी बार ये ऐसे भी हेड एंड शोल्डर मिलेंगे आपको, तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर एक बार आपने चार्ट पैटर्न्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने चार्ट पे जितना भी प्रैक्टिस किया ना गाइस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने को। ये तो इसकी खामियां। अभी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या क्या है। तो जब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तब ये बहुत बड़ा मूव देता है और लॉस आपके बहुत मिनिमल होता है। आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हमेशा हम लोग को 1:2 के ऊपर ही प्रॉफिट हुआ, यानी अगर आप, मैं 5 रुपया लॉस कर रहा हूँ तो मेरा 10 रुपया प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अगर मान लेते हैं मेरे 2 बार मेरे चार्ट पैटर्न्स काम नहीं किए, और अगर मेरा 1 बार भी काम किया, मैंने 2 बार में 10 रुपया लॉस किया और वो 1 बार काम किया तो उसमें 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, मतलब मैंने 3 ट्रेड में, मेरे 2 ट्रेड नहीं चले, 1 ट्रेड चला, तो भी मेरा ओवरऑल लॉस कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले 2 ट्रेड में 5-5 रुपये में 10 रुपये लॉस कर लिया और तीसरे ट्रेड में मैंने 10 रुपया प्रॉफिट कर लिया, तो मेरा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हुआ, ठीक है। तो ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरा ये इजीली स्पॉट हो भी जाता है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको ये बहुत इजीली स्पॉट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको इस पे ट्रेड ना कई बार बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आपको ये, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग पर और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम कीजिए, चार्ट्स पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किए तो आपके सारे जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ ना गाइस, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। और डेफिनेटली गाइस हम हमारे पुराने जो वीडियोस है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनाया, जो मैंने ट्रेंड लाइंस के ऊपर बनाया, जो मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाया, जो मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर बनाया। तो ये सारे वीडियोस को जब आप देखोगे, उसके बाद जब आप ये वाला वीडियो देखोगे ना गाइस, और आप जो पिछले वीडियोस में जो मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद आप ये चीज देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट पैटर्न्स इतने इफेक्टिवली काम करते हैं। और डेफिनेटली जैसे आपके मन में एक सवाल रहेगा कि चार्ट पैटर्न सच में काम करते हैं नहीं करते, आप लोगों ने देखा रहेगा डेफिनेटली अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड करोगे ना तो ये काम करते हैं, ठीक है। अभी गाइज जैसे मैं आपको कुछ देर पहले भी कहा था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना गाइज तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि इससे ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको और अच्छे वीडियोस बना के लाऊं, और आने वाले टाइम में मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक से कहूंगा, ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा, नो और ऑप्शंस सीरीज भी हम लोग डेफिनेटली चालू करेंगे, मार्केट एनालिसिस चालू करेंगे, स्विंग ट्रेड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट, आप में से कई लोग जो ऑफिस जाते होंगे जो लोग को ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, जो ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते, वो लोग को शायद इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिलचस्पी होगी, तो मैं उन लोग के लिए भी वीडियोज लेके आऊंगा। तो
वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी तो आपको पता रहेगा। साथ ही साथ वीडियोस को जितना से कितना शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, हमें क्या मतलब और अच्छे से करना चाहिए, और आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन सी वीडियोज आप देखना चाहते हो। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिछले सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न ऑनलाइन ट्रेड ऑनलाइन ऑन ऑनलाइन। थैंक यू।